सत श्री अकाल, नमस्कार आप सबको। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं, जो कि है रिगार्डिंग कनाडा बैन। हाँ जी, वेरिफिकेशंस आ रही हैं एंड मेरे साथ फ्यू क्यूरीज जो शेयर हुई हैं उनको 10 दिन का टाइम दिया गया है एम्बेसी की तरफ से। अगर वो डॉक्यूमेंट्स जो एम्बेसी को चाहिए वो वेरीफाई नहीं करते या फिर वो डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड नहीं करते तो उन पर 10 साल का बैन है जो लग सकता है। अगर आपने स्टडी वीज़ा या फिर विजिटर वीज़ा अप्लाई किया है, रिसेंटली अप्लाई किया है, देन मोस्ट प्रॉबली वेरिफिकेशन आ सकती है अगर वो डॉक्यूमेंट आपका जेन्युइन नहीं है। वो चाहे फंड्स हो सकता है, चाहे वो आपका स्टडी रिलेटेड हो सकता है, चाहे वो इनविटेशन आ सकती है कनाडा से, कोई भी चीज़ हो सकती है। क्योंकि कनाडा अब वो नहीं रहा, कनाडा स्ट्रिक्ट हो चुका है, कनाडा वेरीफाई करता है, ईच डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है। सो आपके साथ मैं फ्यू केसेस भी शेयर करूँगा जो मेरे साथ क्वेरीज शेयर हुई थी। उनको 10 दिन का टाइम दिया गया था, स्टडी वीज़ा भी है एंड एक विजिटर वीज़ा भी है। विजिटर वीज़ा की सबसे पहले मैं बात करूँगा, उनको इनविटेशन आई थी कनाडा से एंड उन्होंने जो कनाडा एम्बेसी की तरफ से उनको रिक्वेस्ट आई है कि 10 दिन में आपको ये वेरीफाई करना है। एक तो टैक्स इन्फॉर्मेशन, जो कि जिस बंदे ने उनको इन्वाइट किया था उसकी टैक्स इन्फॉर्मेशन जो वो पे करता है कनाडा गवर्नमेंट को, एंड उनका इन्विटेशन लेटर एंड प्लस जो उन्होंने फंड शो किए थे उनकी वेरिफिकेशन, कि अगर वो 10 दिन में ये वेरीफाई नहीं करते कि ये चीज़ जेन्युइन है देन उनका बैन लग सकता है। सो सिमिलरली अगर आपने भी इनविटेशन लेटर पे अप्लाई किया है देन मेक श्योर कि आपके सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन है एंड आप जो भी इनवाइट कर रहा है आपको उनके टैक्स इन्फॉर्मेशन सारी करेक्टली है, सो आप पर बैन ना हो सके, आपकी एप्लीकेशन पे वीज़ा ऑफिसर क्वेश्चन रेज ना कर पाए। उसके बाद स्टडी वीज़ा की बात करूँगा। स्टडी वीज़ा की एक यूनिवर्सिटी थी एंड उसमें क्या वीज़ा ऑप्शन क्वेश्चन रेस किया है, जो यूनिवर्सिटी थी वो स्टूडेंट से काफ़ी दूर थी, इंडिया से अराउंड 400-500 किलोमीटर थी। सो पता नहीं, हाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी बट स्टूडेंट को वेरीफाई ये आई है, वेरीफिकेशन ये आई है कि आप यूनिवर्सिटी से हमें ये वेरीफाई करके हमें दिलाओ, क्योंकि आप जहाँ का जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पर जो रेजिडेंसी जहाँ पर आप रहते हो उससे गूगल वीज़ा ऑप्शन ने पूरा गूगल मैप पे जाके देखा है कि 433 किलोमीटर यूनिवर्सिटी आपको इतनी दूर पड़ रही है, आप इतनी दूर स्टडी क्यों करने के। एक तो उन्होंने ये जस्टिफिकेशन मांगी है एंड एक उन्होंने जस्टिफिकेशन मांगी है कि आपके ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने चाहिए, यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवा कर हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, आपके पास 10 दिन है, अगर हमें ये चीज़ ना मिली देन हम आपका 10 साल का बैन लगा देंगे। फंड्स हो गया, यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स हो गए, उन सबको पता है कि पंजाब में हो जाती हैं चीज़ें। सो मेक श्योर कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप जो भी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड कर रहे हो चाहे वो फंड्स हैं, ऐसा ना हो कि आपने 10 लाख शो कर दिया और उस 10 लाख में से आपने पैसा है बाद में निकलवा लिया। सो ये सारी चीज़ें आपकी आज की डेट में वैलिड होनी चाहिए, आपके सारी चीज़ें करेक्टली होनी चाहिए अगर आप कनाडा के वीज़ा चाहते हो और आप बैन से बचना चाहते हो। सो आपको अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू कनाडा इमिग्रेशन, यूके इमिग्रेशन एंड ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड अगर आप हमसे सर्विसेज लेना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो विजिट अवर ऑफिस जो कि दूरी में लोकेट है, आपको गूगल मैप पे भी हमारी लोकेशन मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। सत श्री अकाल।